कर दो। 10 क्या छीन लिया डिपार्टमेंट के आदमी बता करके उनसे साइड में उनको लेके गया और झोले में कुछ उनसे 2-3 चेन लेकर के और चला गया है। ये नौकर को तब तक पता नहीं लगा था, नौकर को पता लगा था जब वो दूसरी दुकान पे गया और वहाँ पे वहाँ का दुकान मालिक बोला कि इसमें से कुछ चेन बाकी है। मैं विश्व शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मुजफ्फरपुर में अपने आप को एक्साइज का अधिकारी बताकर एक ज्वेलरी दुकान के स्टाफ से लाखों की चेन की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के सोनरपट्टी का है, जहां कल देर शाम एक प्रतिष्ठित ज्वेलरी दुकानदार का स्टाफ अपने दुकान से सोने का 7 चेन लेकर होलसेलर को वापस करने जा रहा था। इसी बीच रास्ते में एक व्यक्ति ने उस स्टाफ को रोक लिया और अपने आप को एक्साइज का अधिकारी बताकर अपने साथ एक तरफ कोने में ले गया, जिसके बाद वह शराब के बहाने उसके झोले को चेक किया। जब ज्वेलरी दुकानदार के स्टाफ होलसेलर के पास चैन लौटाने पहुंचा, तब अपने झोले में से 4 चैन सोने का चैन गायब देखा, जिसके बाद उसके होश उड़ गए। वहीं उसने पूरे मामले की जानकारी अपने दुकान में आकर अपने दुकान मालिक को दी, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना स्थानीय थाने को दी गई। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं ज्वेलरी दुकान के मालिक और क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के ASP टाउन अध्यक्ष दीक्षित, पहले आपको सुना देते हैं। आज शाम को 6 बजे के आसपास सोनारपट्टी में गोवर्धन रामेन कंपनी ज्वेलर्स की एक शॉप है, यहाँ से इनका ये एक कर्मचारी था जो 6 या 7 के आसपास सोने की चेन लेकर के और बगल की एक दुकान पे लेके जा रहा था। तो जैसा CCTV में अभी तक देखा गया है कि एक व्यक्ति उनके पास आया और अपने आप को एक्साइज का आदमी बता करके एक्साइज डिपार्टमेंट का आदमी बता करके उनसे साइड में उनको लेके गया और झोले में कुछ उनसे 2-3 चेन लेकर के और चला गया है। ये नौकर को तब तक पता नहीं लगा था, नौकर को पता लगा था जब वो दूसरी दुकान पे गया और वहाँ पे वहाँ का दुकान मालिक बोला कि इसमें से कुछ चेन बाकी है। तो प्राइमर फेसी तो हमें थोड़ा संदिग्ध लग रहा है मैटर, बाकी तो जैसा इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठगी की गई है सर? हाँ, चेन स्नैचिंग नहीं है, पहले जो चलाया जा रहा था कि चेन स्नैचिंग और वैसा कुछ नहीं है, ठगी का मैटर है, अभी ऐसा ही लग रहा है। CCTV देखा जा रहा है? हाँ, CCTV में कुछ रिकॉर्डिंग ली गई है, बाकी और भी देख रहे हैं जहाँ से मिल सके। मामला है क्या हुआ है? ऐसा हम लोग का दुकान है गोवर्धन आशीष प्रसाद एंड कंपनी, तो हम लोग अप्रूवल पे सामान मंगाए थे कस्टमर को दिखाने के लिए, जो कि दीप प्रकाश मार्केट में एक शॉप है, वहाँ से होलसेल का शॉप है, वहाँ से मंगाए थे। और जब काम ख़त्म हो गया तो हम अपने स्टाफ से कहे कि वापस करके आओ, तो वहाँ से चला वापस झोला में लेके। तो जब दुकान के चौक से आगे बढ़ा तो एक आदमी उसको बोला कि सो हम एक्साइज के आदमी हैं, झोला में क्या ले जा रहा हो? दारू का चेकिंग है साहब, बैठे हुए चौक पे, चलो चौक पे चेक करते हैं। तो उसको मरगला के ले गया वहाँ चौक पे चेक उप किया, फिर छोड़ दिया। फिर जब वापस गया वहाँ, जब होलसेलर के पास जब सामान दे रहा था तो उसमें 4 पीस चैन कम था, तो फिर ये दौड़े दौड़े आया कि भाई हमको चैन कितना दिए थे? हम लोग तो इतना दिए थे अपना, बताया उसको वजन कि उसमें से 4 पीस कम है। उसके बाद जब हम लोग गए दौड़ते हुए तो वहाँ पे जो आदमी था वो नहीं मिला। क्या लग रहा है इतने बड़ा मंडी होते हुए फोर्स रहते हुए इस तरह का अंजाम घटा है? उस समय तो पुलिस थी नहीं, चौबीसों घंटा यहाँ पुलिस रहती है। जब जिस समय वो गया उस समय CCTV कैमरा में दिख रहा है, वहाँ पे नहीं था जिप्सी लगा हुआ, हम लोग भी CCTV कैमरा में देख रहे हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं हमको आ रहा है। जब तक मंडी खुली रहती है तब तक मक्खन शाह चौक पर फोर्स बैठी रहती है, तब भी इस तरह का वारदात घटा है कि इसे सवाल नहीं उठ रहा है प्रशासन के ऊपर? बिल्कुल उठेगा, क्योंकि अभी चौक पर जिस समय मेरा आदमी जा रहा था तो कोई गाड़ी लगा हुआ नहीं था। चैन का कुल कीमत कितना? यहाँ पे बराबर 3-4 पुलिस चैन का क्या लागत होगा जो चैन छिनाया है? चैन तकरीबन 100 ग्राम के 100-125 ग्राम के आसपास होगा, 6-7 लाख रुपया का होगा। वो तो वजन करेंगे तो पता चलेगा, वजन करने के बाद पता चलेगा। मनीष कुमार नाम है सर। जैसा कि आपने सुना कि पूरे मामले को लेकर ज्वेलरी दुकान के मालिक और मुजफ्फरपुर ASP टाउन अध्यक्ष दीक्षित क्या कुछ कह रहे थे, वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला मंगलवार की देर शाम की है, जहां नगर थाना क्षेत्र के सोनरपट्टी में स्थित गोवर्धन राम ज्वेलरी दुकान के एक स्टाफ अपने दुकान से सोने की 7 चैन लेकर होलसेलर को वापस करने जा रहा था। इसी बीच एक युवक उसके पास आया और अपने आप को एक्साइज का अधिकारी बताकर उसके झोले को चेक करने लगा। जब ज्वेलरी दुकान के स्टाफ
होलसेलर के पास सातों चैन लौटाने पहुंचा तो उसमें से चार चैन गायब देखा, जिसके बाद उसके होश उड़ गए। वहीं पूरे मामले की जानकारी ज्वेलरी दुकान के स्टाफ के द्वारा अपने मालिक को दी गई, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले के खुलासे को लेकर जांच करने में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार अपराधी किसी न किसी बहाने लूट और छिनतई जैसी घटनाओं को मुजफ्फरपुर में अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर जहां अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में अपराधी बेखौफ होकर घूमते नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।